हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, किसान आईडी आप कैसे बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, वो भी विदाउट सीएससी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों। और सबसे पहले तो मैंने सीएससी लॉगिन किया था, तो लॉग आउट करते हैं और एग्री स्टैक यहाँ पर गूगल पर हम सर्च करेंगे, पहला लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लॉगिन के दो ऑप्शन नज़र आ जाएंगे आपको। तो अभी हमें यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे जो है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आपको आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करें। इसके बाद आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डालें, आधार के आपको eKYC यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर आपके आधार से आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी, आधार नंबर डालें, सबमिट करें, OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालें और इसे यहाँ पर सबमिट कर दें। ठीक है, तो आपका आधार में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP आ जाएगा, वो आप यहाँ पर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, है ना। आपने जो KYC किया उसके माध्यम से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं है जो कि आपको फिल करना है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, आप चेक कर लें। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और उसे भी यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दें, सबमिट कर दें, जिससे कि आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, है ना, अपना नाम @123 इस तरह से, और यहाँ पर सेव कर दें। फिर आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, तो फिर से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर से आपकी जो डिटेल्स है वो आपको नज़र आ जाएगी, आप चेक कर लें। यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का पूछेगा कि क्या आप मोबाइल नंबर यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो आपको अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। इसके बाद यहाँ पर फार्मर डिटेल्स में आपको लोकल लैंग्वेज में अपना नाम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको जेंडर तो आ जाएगा, आपको कैटेगरी चुन लेना है। इसके बाद फिर से आपकी जो डिटेल्स, आपको फोटो वगैरह आपको नज़र आ जाएगा थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि क्या आप पात्रता रखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए। अगर पात्रता रखते हैं तो आप यहाँ पर हाँ करें और नहीं तो नो पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अभी हम जो है नो करेंगे, क्योंकि हम पात्रता नहीं रखते हैं भाई, इसलिए यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। जो लोग पात्रता रखते हैं वो यस पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर फिल कर दें, यस नो में आपको सिर्फ यहाँ पर जवाब देना है। इसके बाद आपका जो स्थायी पता है, आधार कार्ड के अनुसार रेसिडेंसी जो डिटेल्स वो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने अभी यहाँ पर हाइड कर रखा है वैसे, तो आप यहाँ पर चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने लेटेस्ट जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड ये यहाँ पर फिल कर दें, है ना। ये नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आप अपना जिला, तहसील और अपना गांव चुन लें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लैंड ऑनर डिटेल्स आपको, तो यहाँ पर ऑनर पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि रेंट पर तो है नहीं ज़मीन। ठीक है, ऑनर पर क्लिक करने के बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन की जो जानकारी है, खसरा खतौनी की जानकारी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको फील लैंड डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज यहाँ पर आपको चुन लेना है। इतना आप यहाँ पर फिल कर लें। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना खसरा नंबर जो है, अपने जो भी आपके पास बही खाता है उसमें से देख लें, और आपको याद ही होगा वैसे तो। ठीक है, तो अपना खसरा नंबर आप यहाँ पर डालें और उसे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके जो नाम हैं वो आ जाएंगे, उस खसरे में जितने भी नाम जुड़े हुए हैं। अब उस नाम में से आप अपना नाम यहाँ पर चुन लें। मैंने अभी सब हाइड कर रखा है वैसे, यहाँ पर रेड बॉक्स में आपको नज़र आ जाएगा अपना नाम, है ना। तो यहाँ पर आप अपना नाम जहाँ पर भी है वो सिलेक्ट कर लें। अभी मैंने सब कुछ हाइड कर रखा है क्योंकि फिर से कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा वरना, क्योंकि दो बार तो चैनल बंद हो चुका है मेरा। तो भाई यहाँ पर आप अपना नाम चुन लें। नाम चुनने के बाद यहाँ पर जितने भी खसरे आ जाएंगे उन सभी पर आप टिक कर दें और सबमिट कर दें। और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑल लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सारे खसरे जो है वेरीफाई हो जाएंगे एक ही बार में, है ना। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे खसरे वेरीफाई हो चुके हैं, आप नंबर वगैरह मिला लें एक बार, है ना, जितने भी खसरे हैं और टोटल कितना हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने बही के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएगी, फैमिली आईडी, है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने हाइड कर रखा है, यहाँ पर आपको अपना फैमिली आईडी वगैरह नज़र आ जाएगा, आप चेक कर लें। फिर आपको यहाँ पर दोनों जगह पर टिक कर देना है और इसे जो है सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद इसे यहाँ पर सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो यहाँ पर सेव पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ई केवाईसी करना होगा, ई साइन करना होगा। तो ई प्रोसेस, ई साइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है एक फॉर्म पर, है ना। तो हस्ताक्षर डिजिटल होंगे भाई, तो आप अपना आधार नंबर डालें, आधार पर जो OTP आएगा वो आप यहाँ पर डालें, आधार मतलब आप फिंगर से भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो OTP के माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आधार नंबर डालें, OTP आपको फिल करना है जो भी आपके आधार पर आएगा वो, और उसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म जो है यहाँ पर डाउनलोड होगा ई साइन वाला, तो वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें। अभी यहाँ पर सिर्फ इतनी प्रोसेस हो रही है, अभी यहाँ से जो प्रिंट निकलेगी वो आप सेव कर लें उसे। इसके आगे की जो प्रोसेस है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लें, और इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।